गिरफ्तारी के खतरे के बीच 17 घंटे बाद भी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अब तक कोई पता नहीं। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई कर रही है उनकी तलाश। कल के बाद आज फिर चिदम्बरम के घर पहुंची सीबीआई टीम, लेकिन नहीं मिले पूर्व वित्त मंत्री। सीबीआई टीम ने घर के बाहर चिपकाया नोटिस। पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर में होगी सुनवाई। कल शाम को 5 बजे के बाद से नहीं दिखे हैं पी चिदम्बरम। सीबीआई की टीम ने घर पर मौजूद लोगों से की पूछताछ। जांच एजेंसी में पूर्व वित्त मंत्री के बारे में जानने की कोशिश की। सीबीआई के बाद चिदम्बरम के घर ईडी की भी दस्तक। पूर्व वित्त मंत्री को लेकर घर में मौजूद लोगों से पूछताछ। आईएनएक्स केस में आरोपी हैं पी चिदम्बरम। कल दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से बड़ी मुश्किलें। चिदम्बरम पर दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। पूर्व मंत्री को बताया घोटाले का किंग पिन। पी चिदम्बरम के समर्थन में प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा सरकार की नाकामियों को उजागर करने पर उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। प्रियंका गांधी ने लिखा, हम पी चिदम्बरम के साथ, सच के लिए जारी रहेगी लड़ाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट। लिखा, चिदंबरम की तरह रॉबर्ट वाड्रा पर भी गंभीर आरोप, इसीलिए प्रियंका कर रही है चिदंबरम का समर्थन। 370 हटने के बाद घाटी में फिर आतंक की आहट। बारामूला में सुरक्षा बल के आतंकवादियों से मुठभेड़। एक आतंकवादी थे एनकाउंटर में, एक एसपीओ शहीद, एक पुलिसकर्मी भी घायल। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने की अंधाधुंध गोलाबारी, एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में माध्यमिक स्कूल भी खुले, लेकिन अब भी छात्रों की उपस्थिति कम। कश्मीर पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में मुद्दा उठाने की कर रहा है तैयारी। भारत के इनकार के बावजूद कश्मीर पर टांग अड़ाने में लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फिर कहा, कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी से करूंगा बात। G7 समिट में मोदी से कश्मीर पर बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगले हफ्ते फ्रांस में है समिट। फ्रांस ने भी जताई बातचीत की इच्छा। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति को बताया विस्फोटक। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत से 24 घंटे बाद दिया बयान। ट्रंप ने कश्मीर पर की हिंदू मुसलमान की बात। कहा, वहां हिंदू हैं और मुसलमान भी, दोनों में नहीं है काफी मेलजोल। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान दोनों को बताया अच्छा दोस्त। कहा, टेंशन कम करने के लिए कर सकता हूं मध्यस्थता। कश्मीर को बताया उलझा हुआ मुद्दा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए 8,28,000 क्यूसेक पानी से दिल्ली पर सैलाब का खतरा। यमुना के करीब निचले इलाकों से लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। खतरे के निशान को पार कर चुका है यमुना का जलस्तर। 206 मीटर से आज 207 मीटर तक पहुंचने की आशंका। यमुना के नजदीक लोहे के पुल पर आवागमन तीसरे दिन भी बंद। पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेन को नई दिल्ली किया गया डायवर्ट। यमुना किनारे एनडीआरएफ की टीम भी तैनात। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बताए जा रहे हैं उपाय। दिल्ली यमुना बाजार इलाके में जल भराव की मुसीबत। घर छोड़ने की आई नौबत। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से ग्रेटर नोएडा में आई आफत। यमुना के बड़े जलस्तर से तिलवाड़ा गांव में फंसे 20 किसान। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। नदी के दूसरे छोर पर फंसे थे। जालंधर में डैम से छोड़े गए पानी से आई आफत। सैलाब से 20 गांव में भारी संकट। करनाल में भी सैलाब का कहर। जल भराव से स्कूल के बच्चों को दिक्कत। फसल हुई बर्बाद। प्रयागराज में निचले इलाकों में सैलाब से मुसीबत। सलोरी बघाड़ा दारागंज की सड़कों पर चल रही है नाव। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। 5 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ मंजूर। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, अनुपमा जायसवाल, अर्चना पांडे का इस्तीफा मंजूर। आज हो सकती है योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। नए चेहरों को मिलेगी मंत्रिमंडल में एंट्री। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में वाराणसी से विधायक रविंद्र जायसवाल, मुजफ्फरनगर के विजय कश्यप, मिर्जापुर के रामशंकर पटेल को मिल सकती है एंट्री।
कैबिनेट फेरबदल से पहले लखनऊ में सरकार संगठन और संघ की समन्वय बैठक, योगी समेत कई दिग्गज मौजूद। उत्तरकाशी में सैलाब और भूस्खलन की आफत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। चंपावत में भारी बारिश के बाद पहाड़ी पर भूस्खलन का बढ़ा खतरा, टनकपुर चंपावत हाईवे हुआ बंद। चंपावत में नदियों में उफान से कई गांवों में सैलाब का खतरा मंडराया। आसनसोल में भारी बारिश के बाद नदी में उफान, कई गांवों में सैलाब का संकट। सिलीगुड़ी में एक बीजेपी नेता और उसके समर्थकों ने महिला को बुरी तरह पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, जमीन विवाद में की बर्बरता।